हेलो गाइस, मैं एनी एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने हैकिंग किया मिडिल से मिडिल क्लास का, कि ना वो एक्सेप्ट करती हूँ कि उस दिन वो हैक था। कुछ लोग जो आज भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको सॉरी बोल रही हूँ, तो मैं सॉरी बोल रही हूँ दिल से। और तब बड़ी मेहनत के साथ ईमानदारी से अभी तक सब्सक्राइबर गेन किए थे। जो चोर चोरी करता है उसको पता है कि कैसे बचना है, लेकिन जो चोर चोरी नहीं करता उसको नहीं पता होता कि कैसे बचे और वो पकड़ा रहता है। वही मैं हूँ बस। और गाइस, हंगामा मचा हुआ था रॉक स्ट्रीम के बारे में कि हैकिंग हो रही थी और वहां पे प्रूफ के साथ हैकिंग को काफी लोगों ने प्रूफ किया, काफी सारे बड़े बड़े चैनलों ने उसको कॉन्ट्रोवर्सी चैनल्स ने कवर किया और कहीं ना कहीं जाके प्रूफ कर ही दिया। उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन वीडियो आई वो सब लोग आप लोगों ने देखी ली होगी, तो वहाँ पे भी प्रूफ हो गया। फाइनली जाके गिव अप कर दिया और बोल दिया कि मैंने हैकिंग कर रही थी मैं और दो दिन से मैं हैकिंग कर रही थी। तो गाइस, इसकी पूरी वीडियो देखने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई कि अब आप बोल रहे हो हैकिंग कर रहे थे, दो दिन से कर रहे थे या दो साल से कर रहे थे या दो महीने से कर रहे थे, ये चीज़ तो जस्टिफिकेशन नहीं आ सकता है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि चोर जब पकड़ा जाए तभी वो चोर होता है, जब तक ना पकड़ा जाए तब तक चोर नहीं होता है। ठीक है, आपकी लैंग्वेज में आपको ही समझाने की कोशिश करूँगा। और आप कह रहे हो कि मैंने बहुत ईमानदारी से इतना कुछ कमाया, इतनी सपोर्ट कमाया और ये सब कुछ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक आपने ईमानदारी की बात कर रहे हो, जब तक ईमानदारी की थी या जब तक आप पकड़े नहीं गए थे तब तक आपके पास सपोर्ट था, और जैसे ही आप पकड़े गए वैसे ही आपका सपोर्ट चला गया। ठीक है, तो भाई सबके लिए तो ये एक फ्री का ज्ञान दे देता हूँ। आप लोग कितना भी कुछ भी कर लो, सच के रास्ते में चलोगे, देर है अंधेर नहीं है, कहीं ना कहीं जाके आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। झूठ के रास्ते पे जाओगे कितनी बड़ी सक्सेस होगी आपके पास, अच्छे से अच्छे फंस जाते हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने रॉक गेमिंग ने यहाँ पे ये बात की कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, तो भाई बात यह है कि जितने भी स्ट्रीमर्स हैं वो सारे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कई लोग तो और भी बहुत ज़्यादा मुसीबतों से आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हैक करो। ठीक है, और उसके बाद आप बात कर रहे हो कि मेरी गलती का एहसास हो गया है मेरे को और ये सब करके मेरे को आप तो लोगों के ऊपर ही है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैडम देखो, ऐसा होता है कि विश्वास किया जाता है, विश्वास एक बार टूट गया ठीक है तो वो विश्वास जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, आपको उसमें टाइम लगेगा। आप ये मत सोचो कि एक दिन में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, आप ये मत सोचो कि एक दिन में या एक वीडियो डालने के बाद आपको सारा सपोर्ट वापस मिल जाएगा, और ये कोई भी नहीं करेगा। क्योंकि देखो, विश्वास टूटता है ना किसी का, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की भी अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपके, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड होता या नॉर्मली किसी का भी अगर कोई बॉयफ्रेंड हो, अगर वो चीट करेगा तो लड़की उसके ऊपर उसका जब विश्वास टूट जाएगा तो हमेशा शक ही करेगी अगर वापस आ गई भी गई तो, राइट। तो इसी तरीके से इस चीज़ में भी, गेम पे भी होता है, लोगों ने आप पे विश्वास किया, आपको स्पॉन्सर किया, आपको इतना कुछ दिया, उसके बाद भी जाके हैकिंग पकड़ी गई। अब एक महीने वाली हो या दो महीने वाली हो उसका हम बात ही नहीं करेंगे, एक दिन वाली हो, और गलती में ही पकड़े जाते हैं लोग। ठीक है, तो ये सबके लिए ज्ञान है, समझ लो यार। अच्छे से अच्छे जितने बड़े चैनल हैं, जितने भी हैक कर रहे हैं भैया, हटा दो, औकात में आके खेलना शुरू कर दो, खेलना चाहते हो तो, नहीं तो आज नहीं तो कल जाके फिर से ये सिचुएशन सबके साथ हो सकती है। और स्ट्रीम पे अपनी रोना धोना ये सब मत दिखाओ मैडम, रीज़न ये है कि आपके रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको मालूम है आप और रेड हैंडेड पकड़े गए हो और बहुत गंदा पकड़े गए हो, और आपने उसमें जस्टिफिकेशन झूठ बोलने की भी कोशिश कवर करने की कोशिश की गई तो वो भी पकड़ लिया था, क्योंकि यार देख रहे हो पावर यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सियल चैनल्स की कि कितना डीप तक घुसते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, राइट। तो उन्होंने वहाँ तक पकड़ लिया, उसके बाद तुम्हारे पास चारा नहीं बचा था, तुम यहाँ पे आके रो रहे हो, वीडियो बना रहे हो, ठीक है। तो उसका रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, गलती की है उसकी सजा भुगतो अब। और आपने जो ये वीडियो है, इस वीडियो में दो कट है ठीक है, पहले कट में आपने आंसू दिखाए, दूसरे कट में आपके आंसू जब पूछ चुके थे तो पीछे से आवाज़ आती है हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो, ठीक है। कौन था पीछे से ये नहीं पता, जिसने जो भी ज्ञान दे रहा है चलो अच्छा ज्ञान दे रहा है, अच्छी चीज़ है कि आपने माफ़ी मांगी,
लेकिन देश की जो ये पब्लिक है ना, जो ये है ना, भरी भरी है गुस्से में कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई हैकर मिल ही जाता है। तो ये माफ़ तो करने वाले हैं नहीं इतनी जल्दी, और हो सकता है कि कभी ना करें, और आप समझ लो आगे। और गाइस, आप माफ़ करो या नहीं करो, आप लोगों का कॉल है, फिर से व्यूवर्स में ही पावर है, आप लोग ही जजो, आप लोगों का डिसीजन है। जो सपोर्ट करना चाहते हैं सपोर्ट करें, और जो नहीं सपोर्ट करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि गलत हुआ है, तो वो सपोर्ट ना करें, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। आप लोग बढ़े, इन लोगों को, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग ऐसे पकड़े जा रहे हैं, मैंने कल की भी वीडियो डाली थी, उसमें यही कहा था, भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम ही व्यूज़ दे सकते हो, और देना है तो दो, और नहीं देना है तो मत दो। तो गाइस, ये वीडियो मैंने अर्जेंट में बनाई है, तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, तो बस सपोर्ट दिखाते रहो इसी तरीके से, न्यूट्रम गेमिंग पीडीएस चैनल को, बने रहो अगली वीडियो तक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।